पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और हरियाणा कांग्रेस के विधायक भी जंतर मंतर पर पहुंच रहे थे। इसी को लेकर जानकारी आपको दे दें कि सभी विधायक दिल्ली पहुंच भी चुके थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी अगुवाई में कांग्रेस के कई विधायक जंतर मंतर पर पहुंचे। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी साथ में मौजूद रहे। पहलवानों को समर्थन देने के लिए पहुंचे हरियाणा कांग्रेस के ये विधायक, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जंतर मंतर पर जब ये कांग्रेस के विधायक पहुंचे, ज्यादा जानकारी के लिए राजा पटेल हमारे संवाददाता दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजा, अभी भी क्या विधायक वहीं पर मौजूद हैं? भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में सभी विधायक कांग्रेस के जंतर मंतर पहुंचे थे। बिल्कुल, देखिए कमल, मैं आपको बता दूं कि तमाम जो कांग्रेस के विधायक है हरियाणा के, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, राज्यसभा सांसद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, सभी जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के आज दिल्ली के जंतर मंतर एक बार फिर से इन पहलवानों के धरने में शामिल होने के लिए कहना कहीं पहुंचे। तमाम जो कांग्रेस के विधायक है वो भी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ पहुंचे। जिस तरीके से बात करें मंच के माध्यम से अपने संबोधन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें और फिर मंत्रालय को जमकर वो उनके पर निशाना साधते हुए नजर आए। हालांकि अब सभी विधायक अपने अपने कहीं ना कहीं जिले में जा चुके हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें वो भी जंतर मंतर से अब निकल चुके हैं। जिस तरीके से बात करें, लगातार विपक्षी पार्टियों का इन खिलाड़ियों को समर्थन मिल रहा है। इससे पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें वो इन खिलाड़ियों के समर्थन में, इन पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर आ चुके हैं। और एक बार फिर से आज पूरी जो कांग्रेस के तमाम जो विधायक है, 30 विधायक कांग्रेस के दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे थे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे थे। राज्यसभा सांसद भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो भी दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे थे। और इस तरीके से बात करें, लगातार इन पहलवानों को समर्थन अलग अलग पार्टियों का हरियाणा में मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इस तरीके से आज बात करें, खबरें अभी तक से खास बातचीत भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की और जानकारी दी कि जब तक इन खिलाड़ियों को इंसाफ नहीं मिल जाता, इन महिला पहलवानों को इंसाफ नहीं मिल जाता, कांग्रेस इनका समर्थन कहीं ना कहीं करती रहेगी। और हम इसी तरीके से जिस तरीके से आगे भी यदि इनको इंसाफ नहीं होता, दोबारा से दिल्ली के जंतर मंतर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे। जी राजा, एक बात बताइए, यहाँ पर पहुंचे कांग्रेस के विधायकों ने जो कहा वो आपने बताया, नेता प्रतिपक्ष पहले भी यहाँ चुके हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पर आ चुके हैं, कांग्रेस का खुला समर्थन लग रहा है, खासकर हरियाणा कांग्रेस की बात करें क्योंकि हरियाणा के खिलाड़ी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट या साक्षी मलिक की ओर से कोई भी रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया सामने आई है जब भूपेंद्र हुड्डा यहाँ पहुंचे उसके बाद? बिल्कुल, देखिए बजरंग पुनिया की बात करें, साक्षी मलिक की बात करें, विनेश फोगाट की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आने से पहले उन्होंने मीडिया से जरूर यहाँ पर बात की और जानकारी यहाँ पर दी है कि जिस तरीके से आज इस धरने का तीसरा दिन है और हम इंसाफ के लिए यहाँ पर बैठे हैं, जब तक ग्रजभूषण करण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होता हम नहीं होती, हम इसी तरीके से बैठे रहेंगे। और उन्होंने खास पंचायतों की बात करें, किसान संगठनों की बात करें और जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां उनके समर्थन की भी दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेंगे, उनका धन्यवाद भी किया है। जिस तरीके से राहुल जवली कोर्ट में संभाले पूरा मामला चला गया है, राहुल जवली कोर्ट लगातार इस पर नजर बनाए गए हैं और जिस तरीके से स्टेटस रिपोर्ट, एक फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट दोबारा से दिल्ली पुलिस से मांगा गया है। हालांकि 15 दिन का समय जरूर यहाँ पर दिया गया है। इससे पहले देखा कि कोर्ट की सुनवाई से पहले जिस तरीके से नाबालिग जो महिला पहलवान है उनके बयान कहने का जिले पुलिस ने दर्ज किए और कोर्ट ने जानकारी दी। आफताब अहमद साहब हमारे साथ कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फोनलाइन पर मौजूद है। आफताब जी, आज जंतर मंतर गए आप, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में आपने पहलवानों का हौसला बढ़ा है, क्या बातचीत हुई सर पहलवानों के साथ? क्योंकि अभी लग नहीं रहा है कि जल्दी मामला सुलझेगा, लेकिन आप खुला समर्थन दे रहे हैं पहलवानों को। आज हम अपने नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान जी, सांसद दीपेंद्र जी और तमाम अपने साथी विधायकों के साथ हमारी कांग्रेस जो विधायक दल की मीटिंग में एक फैसला हुआ था। हम 13 तारीख को सुबह 12 बजे जंतर मंतर जाके अपने पहलवान जो हमारा मान है, हमारा गर्व और जिन्होंने देश के लिए अपना परिश्रम से और देश का मान सम्मान बढ़ाया, उन्होंने मेडल दिया और हमें पूरे देश को उस पर उनपे मान है, उनको इंसाफ दिलाने के लिए जी हमारी पहलवान हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनका जो आरोप है उसको किस तरीके से बीजेपी सरकार अपने सत्ता के अहंकार में उनको इंसाफ दिलाने के बजाय उनका इंसाफ जो है से वंचित रखना चाहती, जिसकी वजह से आज 21वां दिन उन्हें जंतर मंतर पे अपने
है इंसाफ देने के लिए वो है। हम पहले भी हमारे नेताओं ने समर्थन दिया, आज सामूहिक तौर पे सभी विधायक और सांसद और हम अपने नेताओं के साथ आज वहां गए और हमने फिर से अपनी बात को दोहराया कि हम जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम साथ हैं और सरकार से मांग करी के अहंकार तोड़ के हमारी महिलाओं को हमारे जो राष्ट्रीय गर्व है हमारे भगवान जो हमारे लिए पदक लेके आए थे उनको इंसाफ दिलाया जाए। अफ्ताब जी, एक अंतिम सवाल है आपसे, संक्षेप में आप जवाब दे सकते हैं। आज कर्नाटक चुनाव से खुशखबरी आपके लिए आई है, कांग्रेस पार्टी के लिए आई है, लेकिन क्या उम्मीद करें कि राष्ट्रीय नेता जो आपके हैं वो इन पहलवानों की फिर से आवाज उठाएंगे? प्रियंका गांधी को हमने देखा था, राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया था इन खिलाड़ियों के लिए, लेकिन एक दबाव बनाना होगा आपकी तरफ से। आज तो खुशखबरी आपके लिए आ गई, लेकिन इन खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी कब आएगी जो प्रदर्शन कर रहे हैं? जनता का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने एक ऐसी भ्रष्ट सरकार को और एक ऐसे प्रचार और प्रसार को जो लोगों के जनहित के मुद्दों को उठाने के बजाय धर्म और जाति पे समाज को बांटना चाहती है उसको नकारते हुए और कांग्रेस की विकास की नीतियों को उनकी गारंटी पे यकीन करते हुए दिया। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अपने पहलवानों के साथ है, रेसलर्स के साथ है और जो भी जो इंसाफ की लड़ाई होगी उसमें हम सब मिलके इन अपने रेसलर्स को, पहलवानों को, इनको इंसाफ दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने बातचीत की खबर तक से, और आपने रिएक्शन अपना दिया है, प्रतिक्रिया आपने दी और ये भी कहा कि आप खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं। और इस पूरे मामले पर ये तो साफ है कि कांग्रेस पार्टी पहलवानों को बड़े स्तर पर भी प्रदर्शन जो कर रहे हैं खिलाड़ी उनको समर्थन देने के लिए तैयार है, इसीलिए आज कांग्रेस के कई विधायक भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में पहुंचे।